हे व्हाट्सअप गाइस, मानिन मोबिन एंड यू ऑल्सो वाचिंग टेक्निकल मोबिन। आज जो हम बात करने वाले हैं mi10i जो अभी लॉन्च हुआ है फिलहाल में, उसका मैं रिव्यू करने वाला हूँ, आपके लिए बताने वाला हूँ ये फोन आपके लिए बेस्ट है या नहीं, इसमें क्या क्या आपको मिलेंगे, आपको प्रोसेसर कैसा मिलेगा, आप कोई भी गेम खेलते हो जैसे कि ग्लोबल वर्जन जो पबजी है वो भी खेल सकते हो, कैसा चलेगा, इसमें कौन सा प्रोसेसर दिया, बैटरी कितना देर चलेगा, कितना देर टिकेगा, कितना जल्दी आप इसे चार्ज कर सो, आज वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा इतना लास्ट देखना, और गाइस चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा दो, और आप मुझे कोई पर्सनल बात है, आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछना चाहते हो पर्सनली, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, वहाँ पर टेक्निकल मोबिन, यूजर नेम आईडी है mr.mobin23, जो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से भी फॉलो कर सकते हो। तो आज चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम mi10i का यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्प्ले का बात करेंगे, तो गाइस इसमें डिस्प्ले आपको 6.67 इंच का डिस्प्ले मिला है, जो मीडियम साइज में अच्छा है, जो आपको इसमें अच्छा से गेम वूम आपको अच्छा से ऐप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा थोड़ा बड़ा लुक आएगा। 6.67 इंच का डिस्प्ले आपको जो मिला है, इसमें आपको प्रोटेक्टेड है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का, इसमें आपको प्रोटेक्टेड मिल जाएगा, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो आपको डिस्प्ले में आपको कोई यहाँ पर कोई कमी नहीं है, डिस्प्ले 6.67 का सही। तो गाइस आप मोबाइल में गेम वूम खेलने के लिए, कोई भी रनिंग ऐप करने के लिए, इसमें प्रोसेसर देख रहे हैं, तो गाइस आपको स्नैपड्रैगन का 750G आपको मिलेगा, जो 5G है, तो ये काफ़ी अच्छा है आपको कोई भी गेम खेलने के लिए, वन ऑफ द बेस्ट अपने में एक अच्छा प्रोसेसर 750G है, जो आपको बहुत ही गेम वूम अच्छा से आप खेल सकते हो इसमें, जैसे पबजी हुआ ग्लोबल वर्जन, जो अभी पबजी मोबाइल इंडिया बैंड है, लेकिन जैसा ही पबजी मोबाइल बैंड इंडिया आता है तो सबसे पहले न्यूज़ मैं आपको देने का कोशिश करूँगा। तो आज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा दो, जब भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले पहुँच जाए। तो आपको 750G आपको प्रोसेसर इस फोन में मिला है mi10i में, ठीक है, तो ये इसमें आप गेम आराम से खेल सकते हो, आसानी से बहुत ही स्मूथ खेल सकते हो, और प्लस इसमें आपको जो बैटरी बैकअप मिलता है वो होता है, यानी बैटरी आपको मिला 4820 mAh का आपको बैटरी मिल जाएगा। तो गाइस देखो, आप पबजी या फिर कोई भी ज़्यादा दूर का आप कहूँ जा रहे हो तो आप ये मोबाइल आपको ले सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पर 4820 mAh का बैटरी मिल जाएगा, ये आपको काफ़ी अच्छा है, कोई भी गेम या फिर आप मोबाइल चलाते हो आपको काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए आपके साथ रहेगा, बिना चार्ज किए आपको बैकअप भी आपको अच्छा देगा, और यहाँ पर जो आपको 4820 mAh का जो बैटरी दिया गया है, इसको आप चार्ज करने के लिए 33W का यहाँ पर फास्ट चार्जिंग भी दिया गया है, क्योंकि जब आप बैटरी जो 4820 mAh का अगर वो डाउन होता है तो उसको फास्ट चार्जिंग के लिए आपको यहाँ पर दे दिया 33W का चार्जर, जो काफ़ी अच्छा और आपको फास्ट चार्ज कर देगा। तो बस ये तो हमारा हो गया प्रोसेसर का बात, यहाँ पर स्नैपड्रैगन दिया गया और यहाँ पर बैटरी का बात, जो 4820 mAh का बैटरी दिया गया, तो चलो ये सब तो हमारा पबजी और मोबाइल को रनिंग वनिंग ऐप उप चलाने के लिए होगा। और बात करते हैं यहाँ पर जो सबसे मेन आता है वो सेल्फी हो गया, कैमरा हो गया, क्योंकि जो सोशल मीडिया पर जो सबका इंस्टाग्राम आईडी है तो हर कोई अपना अपना फोटो लेना पसंद करता है, राइट, आप भी एक लेना फोटो लेना पसंद करते हो। तो इसमें आगे कैमरा 16 MP का फ्रंट कैमरा दिया गया और इसमें एक छोटा सा कैमरा दिया गया है, इसमें यह खासियत है जब कोई भी गेम खेलते हो आप में कैमरा आपको डिस्टर्ब नहीं करे, क्योंकि इसमें छोटा सा कैमरा एक दिया गया है, नॉट देखोगे ये फ़ोन में आगे का जो छोटा सा है, तो आपको कोई पबजी या कोई भी गेमिंग करते हो तो वो आपको डिस्टर्ब नहीं करने वाली, ये अच्छी बात है। और यहाँ पर 16 MP फ्रंट कैमरा जो काफ़ी अच्छा है, 16 MP कम नहीं है, लेकिन आपको अच्छा फोटो दे सकता है। और पीछे का कैमरा बात करते हो गाइस, इसमें आपको पीछे 4 कैमरा मिलने वाले हैं, जो पहला कैमरा है वो है 108 MP का यह कैमरा, जो आपको सैमसंग की तरफ से आता है, HM2 का सेंसर उसमें लगा हुआ है, तो आपको अच्छा 108 MP कैमरा वो आपको अच्छा मिल गया, फोटो क्वालिटी भी बहुत अच्छा देगा आपको, बैक कैमरा से अगर लेते तो, और आप सेल्फी लेते हो तो आप 16 MP का सेल्फी ले सकते हो। और जो आपको दो तीन कैमरा और बचते हैं उसमें आपको 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा आपको मिलेगा, जो आप बहुत ही अच्छा 8 MP का आपको अल्ट्रा वाइड मिल रहा है, प्लस 2 MP का माइक्रो मिलेगा, प्लस 2 MP का आपको डेप्थ कैमरा मिलेगा। तो आपको ये 4 कैमरा होगा, जिसमें आपको 16 MP का फ्रंट कैमरा जो काफ़ी अच्छा सेल्फी के लिए, और आपको 108 MP का बैक कैमरा मिलेगा। तो गाइस आपको मैं तो रिकमेंड करूँगा आपको 108 MP का ही सेल्फी आपको यानी बैक कैमरा से आप फोटो खींचो, जो फोटो वोटो फटेगा नहीं, और आप अपना काफ़ी अच्छा से आप फोटो फेसबुक इंस्टाग्राम को जहाँ भी लगाना चाहते हो अपलोड करना चाहते हो कर सकते हो। तो वन ऑफ द बेस्ट 108 MP मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। और गाइस इसमें बिल्ड क्वालिटी का देखते हैं, तो गाइस इसमें पीछे आपको ग्लास लगाया गया है, तो ग्लास लगाना बहुत अच्छा बात है, मोबाइल पर कोई स्क्रैच नहीं आया। देखो पहले का जो कुछ 2018 का मोबाइल में पीछे में स्क्रैच आ रहा था, कुछ कुछ लगा रहा था, तो आप इस मोबाइल में आपको वो नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें ग्लास लगाने का एक नुकसान है, और आपका गलती से मोबाइल गिर जाता है कॉर्नर, यानी जो ये कॉनी नहीं यहाँ पे सब गिरता है, ये पीछे ग्लास पर लगता है, तो फिर आपका ग्लास जाएगा और आपका वाट लग जाएगा। तो ये खासियत और एक फ़ायदा भी है, एक नुकसान भी है, अगर आप उसको केयर से रखते हो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको वो गलती से गिर भी जाता है और वो मतलब कॉर्निंग की तरफ से, तो आपका पीछे का ग्लास जाएगा,
तो ये बहुत बुरा बात है, फिर आपको ग्लास चेंज कराना पड़ेगा। और गाइस यहाँ पर सॉफ्टवेयर का है, तो यहाँ पर मी यू आई का यहाँ पर टूवल है जो बेस्टेड है एंड्रॉयड 10 पर, तो ये काफ़ी अच्छा है बात है। तो आपको ये रहा आपको mi10i का आपको रिव्यू। और गाइस यहाँ पर हम प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं, तो गाइस प्राइस भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर देखो 664 का दिया गया है 20,999, और 628 का दिया गया है 21,999, और यहाँ पर जो 8128 का दिया गया है 23,999, 8GB रैम और 128GB रोम। तो आपको आपको कैसा लगा प्राइस, आपको कौन सा प्राइस रेंज आपको मीडियम लगा या हाई, ज़्यादा हाई मोबाइल के हिसाब से आप कमेंट करके आप अपना सजेशन दे सकते हैं, और मोबाइल आपको कैसा लगा ये भी आप सजेशन दे सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों भी शेयर कर दो। और गाइस अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन दबा देना। अभी हम फॉलो नहीं करते mi10i से, जो नेम आईडी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से फॉलो कर लेंगे गाइस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए बस।